हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिंह बोरा ब्लॉग पर। शाम के बज रहे हैं दोस्तों 7 और रामलीला शुरू होने वाली जस्ट थोड़ी देर बाद। शायद आज जल्दी होगी होगी, मैं थोड़ा बिजी होने की वजह से जा नहीं पाया अभी तक। तो नई शाम के साथ नई शुरुआत, रामलीला का चौथा दिन। आज है शादी प्रभु रामचंद्र जी की, तो आपको ले चलते हैं सीधे ग्राउंड पर। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं रामलीला स्टेज के जस्ट ऊपर। देखिए, आज तैयारी हो चुकी है, जल्दी जल्दी हो रहा है आज प्रोग्राम। प्रार्थना की तैयारी चल रही है। आपको ले चलते हैं मेकअप रूम में। मेकअप रूम में प्रवेश कर चुके हैं हम। देखिए, यहाँ पर जो पात्र हैं वो तैयार हो रहे हैं। सीता सहेली और मेकअप मास्टर, सब तैयारी चल रही है और गाने की प्रैक्टिस भी चल रही है। हेलो सीता माता, कैसे हैं? और आज जनक के जो पात्र हैं चौहान जी, तैयार हो? यहाँ पर प्रार्थना की तैयारी शुरू हो गई है। अभी मैं हूँ पर्दे के अंदर। परसों से तो सुगुण खा जाएगी, फिर राक्षसों हो जाएगी। वो केवल एक झपोसा, उसके बाद हल्ला गुल्ला है। लेकिन जो संवाद है, जो कहानियों का मोड़ है, जो रामायण का मोड़ है, इन दो दिनों में आप बड़े प्रेम से सुनिएगा। अब अयोध्या नगर में विराजमान है ऐसे अवसर में राजा मिथिलेश का दूत इधर वह शुभ समाचार लेकर के अयोध्या नगर में दूर का प्रदेश। महाराज की जय हो। और इधर राजा जनक का मुगल लगा भी तुम्हारा चाल हॉर्ज्यू था
हमने की मैं कुरकुरा ने ले ला रे तो कुरकुरा खिलो हमने रे तो कुरकुरा खियो रे तो कुरकुरा तेरे नाम मुख मांगे ले तेरे नाम मुख ये देखो उमला में आगरा पेठाले ले आ रही है अल्ले ता मेरे हाहू को भागरा योली पर लहंगा जाके मेरे हाहू पर भागरा ने ले आई पूरा जिसका ले आ रही हूँ तो देखिए शादी की तैयारी हो रही है और ढकिया पहुंच चुके हैं और अब ऊपर ढोल नगाड़े बजने लग गए हैं अब ऊपर जाएंगे हम और पब्लिक भी काफी आई है देखिए आज मिलेगा
भाई गूगल पे कर दिया जाएगा महाराज, तुम्हारे पास नगर ना आता पंडित जी का नाम खत्म। जब देखते हैं एक बार आरसी में जब अपना सूरज देखते हैं आंखों की ज्योति को कम हुआ देकर और कान के पास जो बाल है वो सफेद हुआ देकर अपने को वृद्धावस्था में देकर यानी बुढ़ापा देकर के अपने दिल में विचार करते हैं कि आप तो मैं धन्य हो गया हूँ, मेरी जो आप मनोविलासा है पूर्ण हो गई है। इसी उपलक्ष्य में महाराजाध्यास दशरथ जी मंत्री सुमंत से अपने दिल की बात बताते हुए सौपाई अपना भाषा था। अवस्था आ गई है, कुल गुरु वशिष्ठ जी ने हर का दिन सुनिश्चित किया है और कल के लिए राज्य के लिए तैयारी करो। महाराज दशरथ जी मंत्री शुरू से कह रहे हैं कि हे सखा देखो अब मेरी चौथे स्थान कह गई महल पूरी तत्परता से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के राजचरक भी तैयारी में लगी है, वह हर जगह निरीक्षण कर रही है और हर जगह देख रही है कि कोई रामचंद्र के राजचरक में कोई प्रकार की कमी न आए। तब ऐसे अवसर में जब पूरी मंथरा नगर में घूम रही थी तो नगर के को ऐसे सजा दे करके एक दूसरे से पूछती है कि आज अयोध्या में क्या कह गई महल में प्रवेश और रोती हुई बिलती हुई कुबेर मंथरा को आते हुए लेकर के महारानी कह गई कुबेर मंथरा से भाषा में तू तो खूब ऐसी होती थी कहीं लखनलाल ने तुझे मारा तो नहीं। मंथरा कुछ भी नहीं बोलती है, बहुत समझाने पर पुनः मंथरा कैकेयी से रागिनी में क्यों तुम हो भूल बैठी सुनिए हमारी रानी। अभी मेरी बात तेरी समझ में कुछ भी नहीं आएगी, जब घर को रामचंद्र का रातलग हो जाएगा तब तुमको नाना प्रकार के भारी दुख उठाने पड़ेंगे, मेरी बातों को याद करो। और कौशल्या नाना प्रकार के सुख के सागर में डुबकी लगाएगी क्योंकि वह उसका पुत्र राजा बनेगा और वह राजमाता कही जाएगी और तुम्हारा पुत्र भरत राम का दास बन जाएगा, तू भी दास कितना काम करेगी। उनसे भजन मांग लो और भजन मांगने के साथ साथ आज उन पर्व को मांग लो। पहले वरदान से तुम जहाँ पर रामचंद्र जी का राजतिलक होने वाला है वहाँ पर पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज मांग लो। ऐसे यह मांगो कि रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए बन चले जाए। सज्जनो कितना सुंदर दृश्य, कितना सुंदर संवाद चला है, अभी राजा दशरथ और कैकेयी का संवाद होने वाला है, इसलिए मैं आप लोगों से कल्पद्ध निवेदन करता हूँ कि जब तक संवाद पूरा न हो अपने स्थान पर होने जा रही हूँ। अगर मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ तो तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगी। इस प्रकार
वाला ऐसे अवसर में तुझे यह कोप करने का क्या कारण है? तुम कहो मैं किसे को किस भिखारी को राजा बना दूं और किस भिखारी को पूरा अपना राज को सौंप दूं, तुम्हारे कहने पर तुम कहो मैं किसका सिर कलम कर दूं। मुझे बड़ी तड़पन हो रही है, जो वरदान देने को कह रहे थे, वचन दिए थे और मैंने उस दिन वो कर्ज के रूप में आपको दिया कि जब मुझे भविष्य में जरूरत पड़ेगी मैं अपने वरदानों को मांग लूंगी, लेकिन आज तक मैं आशा में रही, अगर देना ही है तो मुझे मुझे अपने दो वरदान दे दो, यही मेरी आपसे विनती है। पहले वरदान से आप जहाँ पर रामचंद्र का राजतंत्र होने वाला है वो अयोध्या का राज मेरे पूर्व पुत्र भरत के नाम पर कर दो, कल को भरत का राजतंत्र होना चाहिए। और हे राजन, अगर दूसरे दिल से तुम उन्होंने होना चाहते हो तो मेरा वो वरदान सुन करके तुम अपने दिल से विचलित मत होना, इसलिए क्षत्रिय नरेश हो, क्षत्रिय राजा हो, रघुवंशी हो तो सुनो, दूसरा वरदान मेरा यह है कि चौकड़ी रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वन को चले जाए, इसी में अयोध्या का कल्याण है। जब रामचंद्र को 14 वर्ष का यह वनवास का वचन राजा दशरथ सुनते हैं तो अजय होकर के हायराम होकर के गिर पड़ते हैं। कुछ देर में जब उनको चेतना आती है तब महारानी कैकेयी को समझाने की चेष्टा करते हुए। दोस्तों, रामलीला का चौथा दिन आज यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं कल 5वें दिन, कल होगा रामचंद्र जी का वनवास, तो आपको अच्छे अच्छे संवाद दिखाएंगे। तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट, जय श्री राम।